मुद्दा यही है। सबसे अच्छी बात ये सुरेश जी की खुद सीएम अपनी इन बैठकों में अधिकारियों की पोल खोलते हैं, लापरवाही उजागर करते हैं, डांटते फटकारते भी हैं। ये तो हमने सुबह की बात की, दोपहर में जब भू अधिकार वितरण पट्टा जब वितरित हो रहा था उन्होंने वहां पर क्लास लगा दी कलेक्टर की, और गुस्सा आ गया सीएम शिवराज को। बुरहानपुर कलेक्टर उस मीटिंग में क्या कर रहे थे, क्या पूरा घटनाक्रम था जरा अपने दर्शकों को दिखाते, फिर उसके बाद मैं चर्चा में लौटता हूं। बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं लाए, सामने देखे सीधे। फिर भी जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है, हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं लाए, सामने देखे सीधे। फिर भी जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है, हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। तो देखिए ये सीएम शिवराज हुआ, दरअसल ये कि अपना संबोधन सीएम शिवराज दे रहे थे और बुरहानपुर के जो कलेक्टर थे प्रवीण, यहां वहां देख रहे होंगे, मुंडियां हिला रहे होंगे। सीएम ने कहा भाई एक एक चीज पर मेरी नजर रहती है, एक तो ये कि मैं जब बोल रहा हूं आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, और दूसरा सलीके से बैठे। तो ये जो आप कैसे देते हैं, मतलब सुरेश जी ये जो तेवर बदला है, अंदाज बदला, हालांकि हम देख रहे हैं चौथी पारी में उन्होंने कहा कि साहब मैं चौथी बार इसलिए नहीं आया हूं कि आराम से सत्ता के मद में चूर होकर बैठ जाऊं, काम कर रहा हूं मैं। सुरेश जी छोटा सा कमेंट, फिर मैं सनवर साहब के पास जाऊंगा। मैं बिल्कुल इस बात को सही मानता हूं कि मुख्यमंत्री यदि बड़े अधिकारी को इस तरह से कहते हैं, डांटते भी हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका नीचे के अधिकारियों में अपने आप एक संदेश चला जाता है। इसलिए इस संदेश को हम समझें और उसके बाद जो है इस बात की तरफ भी इंगित करें कि आप, फिर मैं मेरी बात को आ रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि कलेक्टर साहब गर्दन ठीक रखी है, मेरी नजर है तुम पर, इसका भी एक अपना संदेश है। मैं वही सनवर साहब से बोला, वो तो सनवर साहब तो ये क्या है, ये मतलब अब संटी लेकर के जो है या छड़ी लेकर के शिवराज जी को ही अगर सबको टाइट करना तो फिर क्या फायदा है इतने लंबे चौड़े मंत्रिमंडल का, फिर क्या फायदा है इतने निगम मंडलों का, है ना, सब जगह सफेद हाथी बैठा रखे हम लोगों ने, क्या फायदा फिर इतने लंबे लंबे ACS और वो प्रमुख सचिव और 10 तरह के उसमें उस प्रमुख सचिव के नीचे के अधिकारी जिनकी सैलरी पता नहीं कितनी कितनी है, फिर क्या फायदा जब सब सब काम सीएम को ही करना है। तो सनवर जी देखिए, दीपेश जी, सुरेश जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और उन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातों को बताया है। उन्होंने ताकीद भी किया कांग्रेस के प्रवक्ता को कि आप क्या बोलते तो ज्यादा अच्छा हो सकता था। देखिए मैं उनकी बात की को पूरी तरह से सहमति प्रदान करते हुए अपनी आवाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है और हम यहाँ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, किसी कलेक्टर के प्रवक्ता के रूप में नहीं है। अगर जनता के फायदों, जनता के जो लाभ है, जनहितैषी योजना है, उसके लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है और प्रशासन का कोई अधिकारी अपनी अन्य बातचीत में लगा है तो मुख्यमंत्री जी उस पर भी ध्यान रखते हैं। ये सिद्ध हुआ है आपके बताने से, तो ये संवेदनशीलता हमारे मुख्यमंत्री जी की है। ये तो है, लेकिन क्या अधिकारी इतने निरंकुश या यूज टू हो गए कि ने साहब हाँ ठीक है मीटिंग चल रही है तो चला ही करती है, घंटों मीटिंग चलती है, अब कोई कुछ भी कर रहा है, तो ये चीज क्या है फिर, ये अनुशासनहीनता इसे हम माने या अफसरशाही बहुत जो है अपने आप में, मैंने कहा साहब हमारा ठीक है हम तो कलेक्टर हो गए हमारा कौन क्या कर लेगा, तो ये मतलब क्यों कहना पड़ रहा है, ये तो ऑटोमेटिक मतलब सिस्टम पहले से डेवलप होना चाहिए। सनवर जी जी कहीं देखिए कहीं लापरवाही होती है सिस्टम में तो उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है, उस लापरवाही को सहन नहीं किया जा रहा, यही तो सुशासन है, यही सुशासन है कि अगर कहीं लापरवाही दिखेगी उसको तत्काल ठीक कर दिया जाएगा और यही आपने हमको दिखाया। रही बात आपने कहा कि नीचे के लोग क्या काम नहीं कर रहे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो सरकार में बैठा है वो भी और जो संगठन में वो भी अपने रोल को प्ले करता है और अपने रोल को प्ले करते हुए सुशासन की स्थापना में जनहित योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस काम में लगा हुआ है और इसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता लगातार आशीर्वाद देने का काम कर रही है। संतोष जी अब आप अपनी बारी से बोलिए। तो सुरेश जी ने कहा कि भाई बात रखने का भी एक वो हो कि तथ्यात्मक बातें हों या इस, क्योंकि अब कुछ भी कर रहे हैं सीएम, आप तो कह रहे हैं साहब नौटंकी है, फिर क्या करे सीएम साहब ये भी आप बता दीजिए, कैसे करे ये भी बता दीजिए, क्या वो मंत्रालय के पांचवे माले पर बैठ करके ही सारे डिसीजन लेते रहे, कभी नीचे तक ना उतरे, उतरे तो सीधे सीएम हाउस पहुंच जाए और फिर किसी से ना मिले या विधायकों को कह दे चलो चलो, तो क्या उस हिसाब से सरकार चलानी चाहिए संतोष जी? देखिए
रितेश जी, सुरेश जी क्या है, हमारे बड़े भाई हैं और बहुत पुराने परिचित हैं हमारे। और सुरेश जी ने दो बातें कही, एक बात तो ये कही कि आपने मतलब जो है नाटक नौटंकी, मैं नाटक नौटंकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी बैठकों का इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ठीक है, अगर प्रदेश का मुखिया हमारा बुधनी में अपने विधानसभा क्षेत्र में बुला के अधिकारियों को डांट रहा है तो उसका क्या रिजल्ट निकला? आज भी वैसी स्थिति है, प्रदेश पूरा डूबा हुआ है अंधेरे में, 10,000 ब्लॉक में पानी नहीं पहुंच रहा है। भाई आपकी योजनाओं को फायदा होना, अभी आपने क्लिपिंग बताई कि कलेक्टर इधर उधर देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बोले साहब वो हमारी बोले नजर है, तो भैया कौन सी नजर है, कहां की नजर है, अभी इसमें आप क्या बोलोगे? और जहां तक माननीय कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं, माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर जो काम किए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 17 साल में नहीं कर पाए। ये क्या बात करेंगे हमसे? 27% का आरक्षण दिया था वो भी नहीं, वो आरक्षण वगैरह अलग जगह, यहाँ तो जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो रही कि साहब पेयजल नहीं है, तुरंत अफसरों को बुलाया साहब क्यों नहीं है, ये मुद्दे पर। ये जो नायक फिल्म देखी होगी आपने, उस आज सुबह भी यही हुआ कि सीएम जा रहे थे, गुजर रहे थे कहीं पानी, उन्होंने वहीं से फोन लगाया, तो ये इस मोड में आ गई अब सरकार। संतोष जी आपसे बोला ना दीपेश जी, चुनावी मोड में है माननीय मुख्यमंत्री जी, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, अफसरों को डांट रहे हैं, अफसरों को डांट रहे हैं, सामने उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है, पूरे कोयले की कमी हो रही है, बिजली खपत नहीं हो रही, शहर में तो बिजली आ रही, बाहर बिजली नहीं आ रही है, बेरोजगारी में डूबे हुए पूरे लोग, जनता की समस्या ही तो गैस के रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो आपके पास बताने के लिए क्या है? अब आप ये बताइए, मीटिंग करके बुला के और जो है हम इसको नाटक नौटंकी इससे बोले कि कुछ का रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं कल जी वो कह रहे रिजल्ट होता नहीं है, ठीक है रिजल्ट तो आता नहीं है सनवर जी। दूसरा देखिए 2000 नहीं सनवर जी की बात, 2003 के पहले कांग्रेस शासन के मध्य प्रदेश को कोई भूला नहीं है, बिजली के ऊपर नैतिक अधिकार नहीं है आपको बात करने का, किस प्रकार से बिजली आती थी या जाती थी पता नहीं था, बिजली कभी कभी आती है, आज अगर कभी कभी जा रही है गर्मी बढ़ने के कारण, अति गर्मी के कारण, तो जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ है, उसको जल्दी से ठीक करने का काम कर रही है। आज ट्रेनों को रोक दिया गया, पैसेंजर को और मालगाड़ियों को बढ़ा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि कोयले की आपूर्ति और बिजली हमारे लोगों तक पहुंच पाए, रात दिन चिंता करने का काम कर रहे हैं, गड्ढों में रोड दिया, रोड में गड्ढे पता नहीं था 2003 में, मध्य प्रदेश को इस रूप में जानने लगे थे लोग कि जब बाहर से आते थे तो कहते थे गड्ढे आ गए, मध्य प्रदेश आ गए। ये सब बड़े इश्यू, बड़े इश्यू, साहब हम उन छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं, बात वो सनवर जी की साहब सम्मान विभागीय मंत्री, बात वही कि केंद्र में क्या मोदी जी सब कुछ करेंगे, प्रदेश में क्या शिवराज जी सब कुछ करेंगे, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे साहब? ये बात सभी विभाग अपने काम कर रहे हैं, आपने देखा है कि उसके मुखिया शिवराज जी हैं और शिवराज जी के नेतृत्व में हर विभाग की मॉनिटरिंग होती है। आपने देखा अभी किस प्रकार से पंचमढ़ी में 2 दिन का शिविर शासकीय हुआ है, कैसे मंत्रिमंडल के साथ एक एक मंत्री और एक एक विभाग की बैठकें हुई, कैसे समीक्षा की गई कि आज तक आप क्या हम क्यों नहीं माने जो संतोष जी कह रहे कि सब चुनाव आ गए इसलिए अभी सब चीजें चलेंगी। अब पंचमढ़ी में जब बैठक हुई तो कौन से चुनाव थे, कौन से चुनाव थे पंचमढ़ी में बैठक हुई? 25 अप्रैल को जब आपने कहा कि पेयजल को लेकर सुबह 6 बजे बैठक हुई तो कौन से चुनाव घोषित हुए थे? ये तो रात दिन चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती है, और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करती है। ठीक है सुरेश जी, क्या वो सिस्टम होना चाहिए जो ये चीजें हो रही नवाचार, मतलब मॉर्निंग मीटिंग ठीक है अभी अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद अधिकारी बने हाँ साहब जाते हैं, फिर काम तो हमें हमारे हिसाब से ही करना है, डांट खा लेंगे और क्या होगा, या फिर कोई ऐसा एक्शन भी हो देखने को मिले जिस एक्शन की हम बार बार बात करते हैं, कई बार देखने को मिलता भी लेकिन फिर वो कहते हैं ना सब कुछ फिर बोथरा जाती धार, तो ऐसे क्या सिस्टम हो जाना चाहिए कि भाई सुबह ना बुलाना पड़े 6 बजे, या फिर ये तरीका ठीक है? सुरेश जी नहीं, मैंने जैसा हर बार कहा है वही बातें मैं फिर से कहूंगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने के बाद अधिकारियों के अंदर एक वर्क कल्चर डेवलप हुआ है, ठीक ऐसे ही राज्यों में वर्क कल्चर हो, अनुशासन के हिसाब से हो और उसका नियंत्रण हो। चीफ सेक्रेटरी का ये दायित्व तो बनता है कि उसके अधिकारी वर्ग जो है किस प्रकार से काम करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता का राजनीतिक नेतृत्व का तो पूरे नीतियां देने का, दिशा देने का और अंत में दंड देने का यही जो है व्यवस्थाएं रहती हैं। आप रोज ठीक बात है, यदि ठीक बात है, यदि मान लो ऐसा ही राजनेताओं को करना है तो लाखों रुपया के वेतन वाले अधिकारी का के लिए बैठे,
तो ये बात सही है कि राजनीति में काम करने वाला जो हमारा कार्यकर्ता है वो किसी भी दल का हो, उसे ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसना चाहिए, क्योंकि उसका उसके ऑडिट का तरीका नहीं। मैं फिर अपनी बात कह रहा हूँ कि उसके ऑडिट का यदि तरीका हो जाए, आप व्यापारी का ध्यान रखते हो, उसका उसकी जांच कर लेते हो, ऑडिट करते हो आप उसका, आप किसान का ऑडिट करते हो कि उत्पादन हमारे क्षेत्र का बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आप जो है अन्य क्षेत्रों में करते हो, लेकिन केवल ब्यूरोक्रेसी ऐसा है जिसने एक बार सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, रिटायरमेंट तक उसकी कोई चिंता नहीं है। और वोटों की लालची राजनेता तो अब ये करने लग गया कि हम पुरानी पेंशन दे रहे हैं, यानी कि आप खजाने को जो है फिर आप लुटाने की दिशा में जा रहे हो। तो ये जो प्रवृत्तियां इनको रोकते हुए एक वर्क ऑडिट की जो है उसका कल्चर डेवलप करना चाहिए, ताकि जिसको आदमी को हम तनख्वाह दे रहे हैं वो उसके तनख्वाह के बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके क्षेत्र में जन समस्याओं का प्रतिशत कितना है, और छोटी छोटी समस्याओं की। मैं आपकी इस बात से बहुत अच्छे से, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने ये रोक करके ये कहा कि हम छोटी छोटी समस्याओं पर बात करना चाहते हैं, बड़ी समस्याओं पर तो सब बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि आंगनबाड़ी जो है वो छोटे छोटे व्यवस्थाओं के लिए काम में आती है। हमने इसको कोरोना में आंगनबाड़ियों की भूमिका देखी है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमको निश्चित रूप से छोटी सी छोटी व्यवस्था के बारे में यदि मीडिया ने ध्यान देना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से प्रशासन सुधरेगा। चलिए मैं साहब, बहुत शुक्रिया आपकी टिप्पणी के लिए। संतोष जी आपका शुक्रिया और सनवर साहब आपका शुक्रिया। तो बात यही है कि ठीक है, नवाचार है, अफसरों में जिम्मेदारी का भाव आए, और हम ये नहीं कहते कि वो खौफ में जिए, लेकिन हाँ अपने दायित्व तो निर्वहन करें ठीक से। वो सरकारी ढर्रा की 11 बजे ऑफिस खुलता है, 12 बजे साहब पहुंचेंगे, 1 बजे लंच हो गया, 3 बजे फिर निकल गए, तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और सीएम जो कर रहे हैं ठीक, लेकिन ये जो आदत है वो मंत्रियों की भी होना चाहिए, वो बड़े अफसरों की भी होना चाहिए, तब शायद वाकई वो कार्यप्रणाली वो सिस्टम डेवलप हो पाएगा। वरना सीएम सुबह बुला लें, रात को 12 बजे मीटिंग बुला लें, अगर अफसर काम ही नहीं करना चाहेंगे तो फिर उन पर नकेल जो थोड़ी और टाइट होनी चाहिए, शायद तब जो वाकई जनता की जो छोटी छोटी चीजें जिनके लिए सीएम रात भर जाग रहे हैं या सुबह 5 बजे उठ करके वो मीटिंग बुला रहे हैं, तो कम से कम वैसी चीजें आगे ना हो। बहरहाल लेकिन ये तरीका अच्छा कह सकते हैं, तारीफ के काबिल है, लेकिन ये हालात बार बार ना बने, वरना इसी पर सवाल उठने लगेंगे कि भाई दिन भर फिर अफसर क्या करते हैं जो सीएम को सुबह मीटिंग बुलानी पड़ रही है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।